दिवाली में बिक रही है नकली गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां जब्त। दिवाली आ गई है, लोग इस त्योहार पर एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। कुछ अपराधियों ने इसी बहाने अपना अवैध व नकली कारोबार करना शुरू कर दिया है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर घड़ियां बनाने और बेचने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीनियर इंस्पेक्टर निनान सावंत ने बताया कि हमने इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 8,500 नकली घड़ियां जब्त की गई। ये घड़ियां ब्रांडेड घड़ी कंपनियों के टैग पर बाजार में 1,39,00,000 रुपयों में बेची जानी थी। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। एक सूचना के बाद क्राइम ब्रांच ने दक्षिण मुंबई के सुतार चौल में 2 दुकानों में छापा मारा और वहां से ये घड़ियां और ब्रांडेड कंपनियों के टैग जब्त किए गए। सावंत के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों को प्रति घड़ी 500 रुपयों मिलना था। मोटी कमाई इनके सरगनाओं की होती है, जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। इस नेटवर्क का जाल पूरे देश में फैला था, पर मूल रूप से इनका अवैध कारोबार छोटे शहरों में ज्यादा चलता था।